गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कठोरता या सामर्थ्य और आयरन ऊर्जा। आयरन ऊर्जा अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके, आयनाइजेशन एनर्जी और परमाणु करण की ऊष्मा, दोनों पॉइंट जो है पिछले लेक्चर में अपन कंप्लीट कर चुके। आज अपन पढ़ेंगे गलनांक। गलनांक मेल्टिंग पॉइंट, संक्रमण तत्वों में गलनांक का मान किन तत्वों का ज्यादा होता है, जिनका कम होता है, और क्या क्रम होता है इससे बढ़ने का और घटने का। यानी संक्रमण तत्वों के गलनांक का मान जो होता है वो काफी उच्च होता है। परमाणु करण की ऊष्मा का मान भी उच्च होता है, पतनांक का मान भी उच्च होता है। तो ये किस प्रकार से घटता है अपन बात करेंगे केवल 3D सीरीज के लिए। प्रथम संक्रमण श्रेणी जो है उसके तत्वों की चर्चा करेंगे कि उनके लिए गलनांक का मान किस प्रकार से बढ़ता है। तो गलनांक का मान ज्यादा होने का मतलब है कि संक्रमण तत्वों में जो बॉन्ड है, धात्विक बंध जो है वो मजबूत पाया जाता है, सबल बंध पाया जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए अपने वो ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। यानी कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था में होती है सभी धातुएं, तो धातुओं की बॉन्ड को जो मेटेलिक बॉन्ड होता है उनके एटम्स के बीच में, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ज्यादा एनर्जी देने का मतलब उसको मतलब कि गलनांक का मान ज्यादा है, यानी उसको मेल्ट करने में पड़ती है। कि सॉलिड फॉर्म से मेटल को सॉलिड फॉर्म से अपन लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम अपन को सॉलिड्स के एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है उनको तोड़ना पड़ेगा, या उनकी पकड़ जो है उनकी मजबूती जो है उसको कमजोर करना पड़ेगा, दुर्बल बॉन्ड बनाना पड़ेगा उनको। यानी बॉन्ड भी उनके कमजोर होंगे तो ही वो मेटल जो है वो इसमें चेंज होगा लिक्विड में। तो यानी जितना ज्यादा मजबूत आकर्षण बल होगा मेटल्स के बीच में, एटम्स के बीच में, उनके गलनांक का मान उतना ही ज्यादा होगा। मतलब उनको गलाने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए अपने को उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी उनके बॉन्ड्स की जो प्रबलता है उसको कम करने के लिए, दुर्बल करने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसको मेल्ट करना पड़ेगा। तो ये थे गलनांक। यानी गलनांक का मान ज्यादा होता है 3D सीरीज के लिए। कहां से कहां तक ज्यादा होता है? स्कैंडियम से क्रोमियम तक लगातार बढ़ता है गलनांक का मान, मेल्टिंग पॉइंट का मान। इसका रीजन क्या था कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती चली जाती है। अपन ने परमाणु करण की ऊष्मा पढ़ी थी, उसमें देखा था स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में दो, वैनेडियम में तीन, क्रोमियम में पांच, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या लगातार बढ़ रही है, स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ चलेंगे तो इसकी वजह से गलनांक का मान जो है वो भी बढ़ता चला जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं मतलब बॉन्ड जो है वो ज्यादा बनेंगे और मेटेलिक बॉन्ड जो ज्यादा मजबूत स्थिति में होगा, तो उस कंडीशन में उसको मेल्ट करने के लिए अपने ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो गलनांक का मान ज्यादा होगा। इसके बाद क्या होता है कि क्रोमियम के बाद गलनांक का मान धीरे धीरे घटने लगता है, क्योंकि अपन ने देखा था कल परमाणु करण की ऊष्मा में कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार घटती चली जाती है। तो ये था क्रम इसका गलनांक का, स्कैंडियम से क्रोमियम तक चलने के बाद में धीरे धीरे गलनांक का मान कम होने लगता है, स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता चला जाता है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे कि गलनांक जो है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है, कौन सी कारकों से इफेक्ट पड़ता है गलनांक के ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है कुछ विशेष कारकों पे निर्भर करता है, इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर। पहला है सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरा है, पहला कारक अपना सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा कारक है वान डर वाल फोर्सेज, वान डर वाल फोर्स।
अगला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल। इसके बाद में है पोलैरिटी और मेटलिक बॉन्डिंग। ये कुछ विशिष्ट कारक हैं जिनके ऊपर गलनांक का मान डिपेंड करता है। सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, पहले कारक की बात करें अपन, यानी किसी मॉलिक्यूल की अगर निश्चित ज्यामिति है, किसी विशेष शेप में वो व्यवस्थित है, तो उसको मेल्ट करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी किसी सुव्यवस्थित मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट को, उस अरेंजमेंट को बिगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से अव्यवस्थित ढंग में ऑटोमेटिक जाना नहीं चाहता। तो उसको अव्यवस्थित करने के लिए, उसके एटम्स की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मतलब क्या हुआ इसका, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है सममिति, यानी कोई अणु अगर सममिति में है तो वो उसी शेप में रहना पसंद करेगा, यानी कि उसी शेप को बदलने के लिए अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर विशेष सममिति है, सिमेट्री है, तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल समानुपात होगा मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है, सममित है, तो उसके लिए उसको मेल्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट समानुपात होगा किसके, सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के। दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी मॉलिक्यूल में, किसी क्रिस्टल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से उनकी जो प्रबलता है एटम्स के बीच की वो बढ़ती है, तो उसको मेल्ट करने के लिए यहाँ भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो ये भी समानुपात होगा किसके, मेल्टिंग पॉइंट के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वंडरवाल फोर्सेस से भी मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता है। सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि यहां भी मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ेगा। यानी कि किसी, जैसे मान लो कोई वस्तु है, उसने कितना सरफेस एरिया कवर कर रखा है, तो उसको तोड़ने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बजाय इसके कि अपन इसको पहले तोड़ के और इसके टुकड़ों को एनर्जी दें, मेल्ट करें, इसके टुकड़े बनाकर और फिर इसको मेल्ट करें, तो अपने को कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसको पूरे को ऐसे कैसे मेल्ट करना चाहे अपन, तो अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट का मान भी ज्यादा होगा। अगला है पोलैरिटी। पोलैरिटी का मतलब अगर किसी क्रिस्टल में कैटायन एनायन डेवलप हो जाते हैं, कैटायन एनायन प्रेजेंट है, तो उनकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है जो कि काफी मजबूत होता है, तो उसको तोड़ने के लिए मेल्टिंग पॉइंट का मान, यानी एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, तो ये भी समानुपात होगा। मेटलिक बॉन्डिंग, मेटलिक बॉन्ड अपने कल पढ़ा था किसके बीच में होता है, कर्नेल और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो होता है मेटलिक बॉन्डिंग, मेटलिक बॉन्ड। तो मेटलिक बॉन्ड पर जाएगा तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी मेल्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट इसके समानुपात है। यानी ये फैक्टर थे, अगर ये सब फैक्टर अफेक्ट करते हैं इसको गलनांक को, सिमेट्री होगी मॉलिक्यूल की तो मेल्टिंग पॉइंट का मान ज्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो मेल्टिंग पॉइंट का मान ज्यादा होगा, वैन डर वाल्स फोर्स है तो गलनांक अधिक होगा, सरफेस एरिया अधिक है मेल्टिंग पॉइंट अधिक होगा, पोलैरिटी डेवलप है तब भी गलनांक का मान उच्च होगा, मेटलिक बॉन्डिंग है तो भी गलनांक का मान हाई होगा। तो ये फैक्टर थे गलनांक के। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, विच ग्रुप एलिमेंट हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि कौन सा ग्रुप है तत्वों का जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अधिक होता है, ये देखिए अपन की सबसे ज्यादा गलनांक वाला ग्रुप कौन सा है। तो सबसे ज्यादा गलनांक होता है ग्रुप नंबर 6 का, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा ग्रुप नंबर 6 का होता है, जिसमें एलिमेंट्स होते हैं क्रोमियम,
किसी ग्रुप का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, रीजन क्या है इसका? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है क्रोमियम में 6, इसी टाइप से मॉलिब्डेनम में, टंगस्टन में, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा है ग्रुप नंबर 6 में, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट का मान सबसे ज्यादा होता है। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होने से क्या होता है कि बॉन्डिंग ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स एटम्स के बीच में, और बॉन्डिंग ज्यादा होने की वजह से उसको तोड़ने के लिए अपने को ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ज्यादा एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ कि मेल्टिंग पॉइंट का मान सबसे अधिक होगा। अब अपन बात करें इस ग्रुप में कि इस ग्रुप में भी सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किस एलिमेंट का होता है, तो अपने को पता है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता है, ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ चलने पर मेल्टिंग पॉइंट का मान बढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का। और अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नंबर 6 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा टंगस्टन का होने का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की सबसे अधिक संख्या, और सबसे अधिक संख्या होगी तो बॉन्डिंग ज्यादा होगी, ज्यादा होगी तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मेल्टिंग पॉइंट का मान सबसे अधिक होता है टंगस्टन का। अब टंगस्टन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने से, गलनांक का मान होने से का यूज होता है बल्ब का जो वायर होता है, बल्ब के अंदर जो वायर लगा होता है वो टंगस्टन का बना होता है, यानी बल्ब का फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट बना होता है बल्ब में, उसको बनाने में टंगस्टन का यूज होता है। इसकी वजह से, इस गुण की वजह से, मेल्टिंग पॉइंट अधिक होने के गुण की वजह से इसका उपयोग होता है बल्ब के अंदर जो वायर बनी होती है, फिलामेंट होता है वो बना होता है टंगस्टन का, यानी यूज होता है इसका बल्ब फिलामेंट, बल फिलामेंट बनाने टंगस्टन का। तो ये था अपना मेल्टिंग पॉइंट, अपना गलनांक जो है वो कंप्लीट है। अगला हम गुण देखेंगे संक्रमण तत्वों का, कठोरता तथा यांत्रिक सामर्थ्य। अब संक्रमण तत्व जो है वो कठोर होते हैं, मेटल होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, तन्य आज्ञावर्धनीय और सोनोरस लेस्ट्रस इस टाइप के गुण इनमें मौजूद होते हैं। किस वजह से? इनकी एक निश्चित स्ट्रक्चर की वजह से, यानी ठोस स्ट्रक्चर की वजह से ये काफी सारे गुण इनमें पाए जाते हैं। अपन सबसे पहले बात करें मेलिएबल का मतलब होता है आज्ञावर्धनीय, इसका मतलब समझते अपन आज्ञावर्धनीय, मेलिएबल का मतलब है कि अपन किसी धातु की पतली पतली परत काट के अलग कर देंगे, पतली पतली परत बना लेंगे, थिन लेयर, पतली परत काट के, पतली पतली परत काट सके तो इतनी पतली कि बिल्कुल बारीक पतली परतें अपन एक दीवार में काट सके, इस टाइप से, यानी कि पतली परत के रूप में भी इनको काटा जा सकता है, ये गुण में पाया जाता है, इसको बोलते हैं आज्ञावर्धनीयता, मेलिएबल। इसी तरह ये अपन पतली शीट लेयर तैयार कर सके काट के, और दूसरा होता है डक्टाइल, डक्टाइल यानी कि तन्य, डक्टाइल मतलब कि
अपन किसी धातु की पतली पतली वायर बना सके, पतली पतली वायर बना सके जो गोलाई में होती है, इस टाइप से वायर बना सके अपन। पतली वायर बनाने का गुण भी इनमें पाया जाता है। पतली वायर भी बना सकते हैं अपन संक्रमण तत्वों से, जो कोष तत्व होते हैं अपने मेरे लिए बड़ी पतली पतली सीट काट के भी तैयार कर सकते हैं अपन। और एक होता है सोनोरस, सोनोरस इस गुण का मतलब है कि जैसे घंटी होती है अपनी, घंटी बनी होती है धातु की आयरन की, तो घंटी जब अपन उसको बजाए तो उसमें से टंडी की आवाज जो आती है वो गुण भी, वो गुण कहलाता है सोनोरस, यानी कि धातु आवाज निकले, धातु के अंदर से आवाज निकले, जैसे टंडी टंडी की आवाज निकलती है इसमें से घंटी, विशेष घंटी विशेष धातु की बनी होती है जैसे आयरन लोहे की, स्टील की, एल्यूमिनियम, तो ये एल्यूमिनियम सॉरी आयरन की, स्टील। तो अब जैसे ये था अपना वेरिएबल आयरन बनती है, सीटें तैयार की हुई पतली परत काट के, तो इसके लिए सबसे बेटर मेटल है कौन सी, गोल्ड। गोल्ड जो अपन उसकी पतली परत काट के तैयार कर सकते हैं, ये गुण होता है गोल्ड में सबसे अधिक। और डक्टाइल जो है इस पतली वायर भी बना सकते हैं अपन गोल्ड की, सबसे ज्यादा गुण होता है यही में गोल्ड। और सोमरस घंटी बनी होती है अपनी आयरन की, उसमें से टंडे की आवाज निकलती है, वो विशेष गुणों की वजह से निकलती है जिसको बोलते हैं अपन सोमरस। और एक होता है लस्ट्रस, लस्ट्रस यानी कि धातु में चमक, जैसे हीरे में चमक होती है, गोल्ड में चमक होती है, सिल्वर में चमक होती है, तो ये लस्ट्रस बोलते हैं इस गुण को, धातु में जो चमक होती है उस गुण को बोलते हैं लस्ट्रस। और ये गुण केवल प्रदर्शित करती है जो संक्रमण धातु में है, तो उस अवस्था में पाई जाती है। तो कठोरता इनके जो कठोरता और आज्ञा मंडली का तन्यता का ये जो गुण है ये भी स्टेनियम से क्रोमियम तक लगातार बढ़ते चले जाते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे घटने लगते हैं, यानी कि कठोरता कम होती चली जाती है बाद में। शुरू के तत्वों में कठोरता का मान काफी उच्च होता है। तो मतलब कठोरता या आंतरिक सामर्थ्य है आज्ञात वर्धनी का तन्यता स्कैंडियम से क्रोमियम तक लगातार बढ़ती है, तो स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक बंध की जो सबलता है, प्रबलता है, वो बढ़ती चली जाती है अनपेड इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो जैसा क्रम पिछला अपना पॉइंट था गलनांक और परमाणु ग्रंथि ऊष्मा, उनमें जो क्रम पाया जा रहा था वैसा ही क्रम अपने को कठोरता और आंतरिक सामर्थ्य में देखने को मिलता है अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। धात्विक बंध की सबलता बढ़ती चली जाती है क्रोमियम के बाद में, धात्विक बंध की सबलता कम होती चली जाती है जिसके कारण कठोरता भी कम होती चली जाती है, यानी आगे चलने पर अपने को दुर्बल मेटल्स प्राप्त होते हैं। तो ये था अपना आज का कठोरता और यांत्रिक सामर्थ्य। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। धन्यवाद।